हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मेघा रिसर्च एकेडमी। आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट, जिसके अंदर बहुत टाइप के एल्गी रखे गए हैं, जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। हम थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं कि लेक्चर नंबर 4 में हमने क्या डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 4 में हमने टेरेस्ट्रियल एल्गी के बारे में डिस्कस किया था, जो कि दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक था सेप्रोफाइटस, दूसरा था क्रिप्टोफाइटस। सेप्रोफाइटस को हमने क्या बताया था, विच एल्गी फाउंड ऑन द सॉइल सर्फेस, जो एल्गी सॉइल सर्फेस के ऊपर पाए जाते हैं उसे हम सेप्रोफाइटस एल्गी कहते हैं। इसके अंतर्गत वाउचेरिया रखा गया था एग्जांपल में। दूसरा था क्रिप्टोफाइटस। क्रिप्टोफाइटस को कैसे हमने डिफाइन किया था, विच एल्गी फाउंड बिलो द सॉइल सरफेस, जो एल्गी सॉइल सरफेस के नीचे पाए जाते हैं उसे हम क्रिप्टोफाइटस कहते हैं। तो क्रिप्टोफाइटस का एग्जांपल क्या बताया था मैंने, नॉस्टॉक एनाबिना। नॉस्टॉक एनाबिना कहां पाया जाता है, इट इज फाउंड ऑन द पैडी फील्ड, धान के खेत में पाया जाता है। जब धान की खेती होती है तो उस पे एक ग्रीन सी एल्गी मतलब लेयर बन जाती है, उस सॉइल सरफेस के नीचे पाए जाते हैं नॉस्टॉक एनाबिना, जो कि न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं धान के खेत में। तो आज हम डिस्कस करेंगे अनयूजुअल हैबिटेट के बारे में, जिसमें बहुत सारे एल्गी रखे गए हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं, पहला है हमारा होलोफेटिक एल्गी। होलोफेटिक एल्गी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, पहले हम बता देते हैं कि जो हमारा लिखा गया है कंटेंट, इसको इस पे आप मत ध्यान दीजिएगा कि क्या लिखा है। जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप केयरफुली सुनिएगा, और उसको सुन के आप अपने लैंग्वेज में बनाएंगे नोट, तो वो ज्यादा सफिशियंट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं होलोफिटिक एल्गी। होलोफिटिक एल्गी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, विच एल्गी फाउंड ऑन द हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट वाटर ऑफ सी, मतलब कि जो एल्गी हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट वाटर में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, होलोफिटिक एल्गी। जैसे समुद्र का पानी में वो खारा बहुत जाता है, उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उसे हम होलोफिटिक एल्गी, वहां पे जो एल्गी ग्रो करेगा उसे हम होलोफिटिक एल्गी कहेंगे। होलोफिटिक एल्गी एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोना। डिस्कस करेंगे इपीफाइटिक एल्गी के बारे में। होलोफिटिक एल्गी मैंने बता दिया, एक बार फिर से मैं डिफाइन कर देता हूँ। होलोफिटिक एल्गी क्या है, विच एल्गी फाउंड ऑन द हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट वाटर, जो मैराइन का जो सी का पानी होता है, समुद्र का पानी होता है, वो उसमें कंसंट्रेशन साल्ट की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है, वहां पे जो एल्गी ग्रो करते हैं उसे हम होलोफिटिक एल्गी कहते हैं। उसका एग्जांपल मैंने बता दिया क्लेमाइडोमोनास और स्टेफनोपेट्रा, और भी एग्जांपल हैं। ठीक है, ये हमारा होलोफिटिक एल्गी हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं इपीफाइटिक एल्गी। इपीफाइटिक एल्गी क्या है, विच एल्गी फाउंड ऑन द लार्ज एल्गा और ब्रायोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म प्लांट। ये जो एल्गी है इसको ऐसे समझिए, देखिए, विच एल्गी फाउंड ऑन द लार्ज एल्गा, फाउंड ऑन द लार्ज एल्गा और ऑन ब्रायोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म प्लांट। जो एल्गी ग्रो करते हैं बड़ी एल्गी के ऊपर एंड ब्रायोफाइट एंड एंजियोस्पर्म प्लांट के ऊपर, उसे हम इपीफाइटिक एल्गी कहते हैं। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल लिखा गया है बुल बुचेट, ये हमारा इसका एपीफाइटिक का एग्जांपल है, और इसमें कुछ एग्जांपल स्पेसिफिक हैं जो कि मैंने नीचे लिख दिया है। देखिए क्या लिखा है, ओडोगोनियम एंड माइक्रोस्पोरा एल्गी आर फाउंड अटैच्ड टू द लार्ज एल्गा स्पीसीज ऑफ क्लैडोफोरा राइजोबियम एंड वाउचेरिया। देखिए मैंने बताया ना, कुछ एल्गी जो ग्रो करते हैं लार्ज एल्गी के ऊपर ग्रो करते हैं, कौन कौन से एल्गी, देखिए ओडोगोनियम एंड माइक्रोस्पोरा एल्गी जो है हमारे अटैच होते हैं लार्ज एल्गी स्पीसीज, जैसे क्लैडोफोरा राइजोबियम और वाउचेरिया, ये तीन एल्गी जो है लार्ज एल्गी है, इनके ऊपर कौन कौन से एल्गी ग्रो करते हैं, ओडोगोनियम है और माइक्रोस्पोरा एल्गी है, जो कि हमारे क्लैडोफोरा राइजोलोनियम और वाउचेरिया, इन तीनों एल्गी के ऊपर ग्रो करते हैं। तो ये हमारे हो गए कि जो एल्गी लार्ज एल्गी के ऊपर ग्रो करते हैं उसका एग्जाम्पल। और हमारे देख लेते हैं जो एल्गी ब्रायोफाइट्स, यहाँ पे ब्रायोफाइट्स, ठीक है, ब्रायोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, उसका एग्जांपल है स्पीसीज ऑफ सीलोचेट। सीलोचेट ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट, जो हमारा सीलोचेट है ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट, ये ऐसा एल्गी है जो कि ब्रायोफाइट एंड एंजियोस्पर्म प्लांट के ऊपर ग्रो करता है। ठीक है, तो ये हमारा एपीफाइटिक एल्गा हुआ। एक बार फिर से सुन लीजिए, एपीफाइटिक एल्गा विच एल्गी फाउंड ऑन द लार्ज एल्गी और ब्रायोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म प्लांट, जो एल्गी ग्रो करते हैं लार्ज एल्गी के ऊपर एंड ब्रायोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म प्लांट के ऊपर, उसे हम एपीफाइटिक एल्गी कहते हैं। सिंपल सा है, और इसका एग्जांपल भी है और बुलबुचेट और ये ओडोगोनियम माइक्रोस्पोरा एल्गी, जो कि ऐसा एग्जांपल है जो लार्ज एल्गी के ऊपर ग्रो करते हैं, और हमारा सीलोचेट जो है ग्रो करता है ब्रायोफाइट एंड एंजियोस्पर्म प्लांट के ऊपर। तो ये हमारा एपीफाइटिक एल्गी हो गया। अब हम देखते हैं इंडोफिटिक एल्गी। इंडोफिटिक एल्गी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, विच एल्गी आर फाउंड इनर सरफेस ऑफ प्लांट इज कॉल्ड इंडोफिटिक एल्गी। सिंपल सा है, जो एल्गी
प्लांट के इनर सरफेस पे ग्रो करती है, ठीक है। जो एल्गी प्लांट के इनर सरफेस पे ग्रो करती है उसे हम इंडोफिटिक एल्गी कहते हैं, ठीक है। इंडोफिटिक एल्गी का मतलब विच एल्गी ग्रो ऑन द इनर सरफेस ऑफ प्लांट इज कॉल्ड इंडोफिटिक एल्गी, ठीक है। जो एल्गी प्लांट के इनर सरफेस पे ग्रो करती है उसे हम इंडोफिटिक एल्गी कहते हैं। अब हमारा एपिजोइक एल्गी है, एपिजोइक एल्गी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? विच एल्गी ग्रो ऑन द एक्वेटिक एनिमल्स लाइक स्नेल्स फिश टर्टल्स आर कॉल्ड एपिजोइक एल्गी। एपिजोइक एल्गी सिंपल सा है, समझिए क्या है। विच एल्गी ग्रो ऑन द एक्वेटिक एनिमल जैसे क्या है, स्नेल्स है, टर्टल्स है और फिश है, ये सब हमारे एक्वेटिक एनिमल है जो कि पानी में पाए जाते हैं। तो इनके ऊपर जो एल्गी ग्रो करता है उसे हम क्या कहते हैं? एपिजोइक एल्गी। एपिजोइक एल्गी कहते हैं। विच एल्गी ग्रो ऑन एक्वेटिक एनिमल्स लाइक स्नेल्स फिश टर्टल्स आर कॉल्ड एपिजोइक एल्गी। जो एल्गी हमारे एक्वेटिक एनिमल के ऊपर पाए जाते हैं जैसे स्नेल्स हो गया, फिश हो गया, टर्टल्स हो गया, इनके ऊपर जो ग्रो करते हैं उसे हम एपिजोइक एल्गी कहते हैं। तो एपिजोइक एल्गी में क्या एग्जांपल रखा है? क्लैडोफोरा क्रिस्पाटा ग्रो ऑन स्नेल्स। जो स्नेल्स होता है, स्नेल्स का मतलब घोघा होता है, जो हमारे एक्वेटिक वाटर में पाया जाता है, स्नेल्स मतलब घोघा होता है, उसके ऊपर जो एल्गी ग्रो करता है उसे हम क्लैडोफोरा क्रिस्पाटा कहते हैं, ठीक है। क्लैडोफोरा क्रिस्पाटा एक ऐसा एल्गी है जो कि स्नेल्स के ऊपर ग्रो करता है, ठीक है। और हमारा देखिए यहीं पे एक दूसरा भी एग्जांपल लिखा हुआ है, क्या लिखा है? प्रोटोडर्मा एंड बेसिकलेडिया, प्रोटोडर्मा एंड बेसिकलेडिया फाउंड ऑन द बैक ऑफ टर्टल। जो कछुआ होता है, समुद्र में जो कछुए पाए जाते हैं उनके पीठ के ऊपर जो एल्गी ग्रो करती है, कौन सी एल्गी ग्रो करती है? प्रोटोडर्मा एंड बेसिकलेडिया, ठीक है। प्रोटोडर्मा एंड बेसिकलेडिया जो है कछुए के पीठ के ऊपर ग्रो करते हैं, तो वो हमारे किस में आते हैं? एपिजोइक एल्गी, क्योंकि एनिमल के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। तो हमारे एक स्टिगियोक्लोनियम आर ग्रो इन गिल्स ऑफ फिश, जो मछलियों के गिल्स में पाए जाते हैं उस एल्गी का नाम है स्टिगियोक्लोनियम। स्टिगियोक्लोनियम एक ऐसी एल्गी है जो ग्रो करती है गिल्स ऑफ फिश, फिश के गिल्स पे ग्रो करती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या है एपिजोइक एल्गी? एपिजोइक एल्गी का मतलब विच एल्गी ग्रो ऑन एक्वेटिक एनिमल्स, विच एल्गी ग्रो ऑन एक्वेटिक एनिमल्स लाइक स्नेल्स फिश और टर्टल। जो जो एनिमल वाटर में पाए जाते हैं जैसे स्नेल्स हो गया, फिश हो गया, टर्टल और भी एनिमल्स हैं, उनके ऊपर जो ग्रो करते हैं एल्गी उसे हम क्या कहते हैं? एपिजोइक एल्गी, ठीक है। एपिजोइक एल्गी का एग्जांपल भी मैंने बता दिया है, क्लैडोफोरा क्रिस्पाटा जो कि ग्रो करता है स्नेल्स ऊपर। ये सब जो एग्जांपल्स है इसे आपको बहुत केयरफुली लर्न करना पड़ेगा, ये हमारे वाइवा में पूछा जा सकता है, क्योंकि वाइवा में एक ऐसा है कि कुछ भी पूछ सकते हैं, तुम सोच नहीं सकते हो कि कहां से क्वेश्चन उठेंगे वाइवा में, ठीक है। तो इसलिए आपको बेसिक तो पूरा आना चाहिए आपको बॉटनी का, इसलिए बेसिक से ही स्टार्ट किया है मैंने, तो इसे मिस मत कीजिएगा, ठीक है। क्लैडोफोरा क्रिस्पाटा ग्रो ऑन स्नेल्स, ठीक है। क्लैडोफोरा क्रिस्पाटा स्नेल्स के ऊपर ग्रो करते हैं। प्रोटोडर्मा एंड बेसिकलेडिया, प्रोटोडर्मा एंड बेसिकलेडिया जो है टर्टल्स के पीठ के ऊपर ग्रो करता है, और स्टिगियोक्लोनियम जो है हमारा गिल्स के गिल्स और फिश के ऊपर बंद करता है, ग्रो करता है, ठीक है। हमारा ये होलोफिटिक एल्गी होगा, एपिफिटिक एल्गी हो गया, इंडोफिटिक एल्गी हो गया और एपिजोइक एल्गी हो गया। इंडोजोइक एल्गी, इंडोजोइक एल्गी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इंडोजोइक एल्गी विच एल्गी आर फाउंड इन द टिश्यू ऑफ एनिमल, सिंपल सा है। जो एल्गी हमारे एनिमल के टिश्यू में पाए जाते हैं वो हमारे इंडोजोइक एल्गी कहलाते हैं, ठीक है। जो एल्गी हमारे एनिमल के टिश्यू में ग्रो करते हैं उसे हम इंडोजोइक एल्गी कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? स्पीशीज ऑफ जू क्लोरेला आर फाउंड इन हाइड्रा वायराइड्स। एक स्पीशीज ऑफ जू क्लोरेला, जू क्लोरेला एक ऐसा एग्जांपल है जो हाइड्रा वायराइड्स के एनिमल्स के टिश्यू के अंदर ग्रो करता है, तो हम इसीलिए ये इंडोजोइक एल्गी का अंतर्गत रखा गया। हाइड्रा वायराइड्स जो है, हाइड्रा वायराइड एनिमल्स के अंदर स्पीसीज ऑफ जू क्लोरेला, स्पीसीज ऑफ जू क्लोरेला के मेंबर जो है हाइड्रा वायराइड एनिमल के टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं। तो ये हमारा हो गया इंडोजोइक एल्गी, इंडोजोइक एल्गी। और एक एग्जांपल इसका और है जो कि मैंने स्टार बना के लिखा है, क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी आर फाउंड इन द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है हमारे डाइजेस्टिव एंड रिस्पायरेटरी ट्रैक पे और वर्टिब्रेट एनिमल के डाइजेस्टिव एंड रिस्पायरेटरी ट्रैक में पाए जाते हैं। जो कुछ एल्गी, जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, वो हमारे वर्टिब्रेट के डाइजेस्टिव एंड
डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक पे पाए जाते हैं। तो हमारा ये एग्जांपल हो गया ब्लू ग्रेन एल्गी वाला और ये स्पीसीज ऑफ जुपलेर जो कि इंडोजोइक एल्गी के एग्जांपल है। अब हम देखेंगे सिम्बियोटिक एल्गी, ठीक है। सिम्बियोटिक एल्गी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए सम ऑफ, देखिए एवरी मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी एंड साइनोफाइसी, एवरी मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी एंड साइनोफाइसी फ्रॉम सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद फंजाई ब्रायोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, ठीक है। कुछ क्लोरोफाइसी एंड साइनोफाइसी के मेंबर जो हैं, क्लोरोफाइसी एंड साइनोफाइसी के जो मेंबर हैं हमारे, वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करते हैं फंजाई ब्रायोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म के साथ, ठीक है। जो हमारे क्लोरोफाइसी एंड साइनोफाइसी के मेंबर हैं फंजाई ब्रायोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन करते हैं, ठीक है। हमारा ये सिम्बियोटिक एल्गी हो गया। सिम्बियोटिक एसोसिएशन का मतलब देखिए, जो एक दूसरे की हेल्प करें आपस में, उनसे वो फूड लें और वो उन मतलब उनको बिना नुकसान पहुंचाए ही खुद फूड प्रोवाइड करें और उनको भी प्रोटेक्ट करें, ठीक है। तो ये हमारा सिम्बियोटिक एसोसिएशन कहलाता है, ठीक है। तो एवरी मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी एंड साइनोफाइसी फ्रॉम सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद फंजाई एंड ब्रायोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, जो कुछ एल्गी जो है हमारे साइनोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी के मेंबर जो है फंजाई ब्रायोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, नॉस्ट ऑफ पंक्टिफॉर्मी एंड एनाविना साइकेरिया आर फाउंड इन द सिम्बियोटिक एसोसिएशन इन द कोरिलाइड रूट ऑफ साइकस। साइकस के कोरिलाइड रूट में नॉस्ट ऑफ पंक्टिफॉर्मी एंड एनाविना साइकेरिया ये जो है कोरिलाइड रूट के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। तो ये हमारा जब साइकस का चैप्टर रहेगा तो उसमें हम इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे केवल एग्जांपल के बेस पे देख लीजिए आप, नॉस्ट ऑफ पंक्टिफॉर्मी एंड एनाविना साइकेरिया जो है आर फाउंड सिम्बियोटिक एसोसिएशन इन द कोरिलाइड रूट ऑफ साइकस। साइकस के कोरिलाइड रूट में नॉस्ट ऑफ पंक्टिफॉर्मी एंड एनाविना साइकेरिया ये जो है सिम्बियोटिक एसोसिएशन के सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, ठीक है। अब हमारा पैरासिटिक एल्गी है। पैरासिटिक एल्गी विच एल्गी ग्रो एज पैरासाइट ऑफ मैनी प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड पैरासाइट एल्गी। कुछ एल्गी जो है हमारे एज लाइक पैरासाइट की तरह ग्रो करते हैं एनिमल एंड प्लांट्स की तरह। पैरासाइट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे जीव जो अपना भोजन तो प्राप्त करें उनसे और प्लस उन्हें इन्फेक्ट भी करे, ठीक है, तो वो हमारे पैरासाइट कहलाते हैं, ठीक है। जो एनिमल अब जो होस्ट है कुछ भी मान लीजिए आप, वो अपना न्यूट्रिशन दूसरे से प्राप्त करें और उन्हें नुकसान भी पहुंचाए तो हमारे पैरासाइट कहलाते हैं, ठीक है। विच एल्गी ग्रो ऑन पैरासाइट मैनी प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक एल्गी। पैरासिटिक एल्गी के अंतर्गत क्या आता है, देखिए सिफेलोरस विरसेंस। सिफेलोरस विरसेंस जो है क्लोरोफाइसी का मेंबर है, ठीक है। सिफेलोरस विरसेंस काजेस रेड रस्ट ऑफ टी, काजेस रेड रस्ट ऑफ टी ऑफ कॉफी प्लांट, ठीक है। जो कॉफी का प्लांट होता है, कॉफी का प्लांट होता है उस पर रेड रस्ट ये काज करते हैं, ठीक है। हमारा ये सिफेलोरस विरसेंस क्लोरोफाइसी का मेंबर है जो कि रेड रस्ट काज करता है चाय के प्लांट पे, ठीक है, कॉफी के प्लांट पे, ठीक है। तो हमारा पैरासिटिक एल्गी हो गया, एंडोजोइक एल्गी हो गया, सिम्बियोटिक एल्गी हो गया, पैरासिटिक एल्गी। एक बार थोड़ा सा वो कर देते हैं, सिम्बियोटिक एंडोजोइक एल्गी का मतलब विच एल्गी फाउंड ऑन द टिश्यू ऑफ एनिमल, विच एल्गी फाउंड ऑन द टिश्यू ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एंडोजोइक एल्गी। एंडोजोइक एल्गी का एग्जांपल क्या है, जूक्लोरेला के मेंबर जो है हाइड्रा वायरेट एनिमल के टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वर्टिब्रेट के डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाए जाते हैं, ठीक है। हमारा सिम्बियोटिक एल्गी है। सिम्बियोटिक एल्गी क्लोरोफाइसी एंड साइनोफाइसी के मेंबर जो है हमारे वो कहाँ सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करते हैं फंजाई ब्रायोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म प्लांट के साथ, ठीक है। तो हमारा जो नॉस्ट ऑफ पंक्टिफॉर्मी है एंड एनाविना साइकेरिया है ये पाए जाते हैं हमारे साइकस के कोरिलाइड रूट में, ठीक है। ये पैरासिटिक एल्गी विच एल्गी ग्रो एज पैरासाइट ऑन मैनी प्लांट्स एंड एनिमल। कुछ एल्गी ऐसे हैं जो कि लाइक एज पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं और ग्रो करते हैं एनिमल एंड प्लांट्स के ऊपर, तो यहाँ पे वो पैरासिटिक एल्गी कहलाते हैं। इसका एग्जांपल मैंने क्या लिया है, सिफेलोरस विरसेंस जो कि क्लोरोफाइसी का मेंबर है और क्या काज करता है, रेड रस्ट काज करता है और कॉफी के प्लांट पे, रेड रस्ट काज करता है ये कॉफी के प्लांट में, ठीक है। हमारा ये पैरासिटिक एल्गी हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे लिथोफिटिक एल्गी और लिथोफिटिक एल्गी, थर्मल एल्गी और क्रायोफिटिक एल्गी, ठीक है।
अब हम देखेंगे क्रायोफिटिक एल्गी के बारे में। क्रायोफिटिक एल्गी क्या होते हैं? दीज एल्गी आर ग्रो ऑन आइस और स्नो आर कॉल्ड क्रायोफिटिक एल्गी। जो एल्गी हमारे स्नो एंड आइस पे ग्रो करते हैं वो क्रायोफिटिक एल्गी कहलाते हैं। क्रायोफिटिक एल्गी जो आइस पे एंड स्नो पे ग्रो करते हैं वो हमारे क्रायोफिटिक एल्गी कहलाते हैं। दीज एल्गी प्रोवाइडेड अट्रैक्टिव कलर्स टू स्नो कवर्ड माउंटेन। ये हमारे माउंटेन को अट्रैक्टिव कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे पूरे। रेड कलर जो है हिमेटोकोकस निवेलिस डायटम्स। हिमेटोकोकस निवेलिस डायटम्स जो है आर्कटिक माउंटेन पे पाए जाते हैं, ठीक है। और ये रेड कलर प्रोवाइड करते हैं माउंटेन के, हिमेटोकोकस निवेलिस एंड डायटम्स। और भी एग्जाम्पल्स हैं, हिमेटोकोकस निवेलिस डायटम्स जो है हमारे रेड कलर को प्रोवाइड करते हैं आर्कटिक माउंटेन पे। आर्कटिक माउंटेन पे हमारे ये हिमेटोकोकस निवेलिस डायटम्स रेड कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये ग्रीन कलर, ग्रीन कलर कौन सा है? क्लेमाइडोमोनास स्पीसीज ऑफ मिजोटेनियम, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास एंड स्पीसीज ऑफ मिजोटेनियम जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, और ये यूरोप के माउंटेन पे पाए जाते हैं, ठीक है। यूरोप के माउंटेन पे ये क्लेमाइडोमोनास स्पीसीज ऑफ मिजोटेनियम जो है ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। और ब्लैक कलर, ब्लैक कलर जो है हमारे स्टोन स्टेलिया निवेलिस एंड रेफिनो डेनिमा ब्रेविरो स्ट्री, ठीक है। हमारा जो ये दो अलग अलग एग्जाम्पल हैं, ब्लैक कलर प्रोवाइड करते हैं स्कोटिला निवेलिस, स्कोटिला निवेलिस एंड रेफिडोनिमा ब्रेविरो स्ट्री, ठीक है। रेफिडोनिमा ब्रेविरो स्ट्री, ये हमारे दो एग्जाम्पल हैं ब्लैक कलर। ये ब्लैक कलर माउंटेन पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और हमारे ये रेड कलर हिमेटोकोकस निवेलिस है डायटम से, और ये ग्रीन कलर जो है क्लेमाइडोमोनास एंड स्पीसीज ऑफ मिजोटेनियम, ये हमारे ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं माउंटेन को। क्रायोफिटिक एल्गी विच एल्गी ग्रो ऑन स्नो एंड आइस, विच एल्गी ग्रो ऑन स्नो एंड आइस इज कॉल्ड क्रायोफिटिक, आर कॉल्ड क्रायोफिटिक एल्गी, ठीक है। ये जो एल्गी ग्रो करते हैं आइस एंड स्नो पे उसे हम क्रायोफिटिक एल्गी कहते हैं। इसका एग्जांपल भी है रेड कलर हिमेटोकोकस निवेलिस एंड डायटम्स प्रोवाइड करते हैं, ग्रीन कलर क्लेमाइडोमोनास एंड स्पीसीज ऑफ मिजोटेनियम प्रोवाइड करते हैं, ब्लैक कलर स्कोटिला निवेलिस एंड रेफिडोनिमा ब्रेविरो स्ट्री है, ठीक है। ये दोनों ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि माउंटेन पे ब्लैक कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं लिथोफिटिक एल्गी, लिथोफिटिक एल्गी के बारे में कैसे डिफाइन करेंगे लिथोफिटिक एल्गी। ये भी सिंपल ही है, देखिए विच एल्गी ग्रोइंग मॉइस्ट रॉक्स एंड स्नो स्टोन आर कॉल्ड लिथोफिटिक एल्गी, ठीक है। लिथोफिटिक एल्गी विच एल्गी ग्रोइंग मॉइस्ट रॉक्स एंड स्नो स्टोन आर नोन एज लिथोफिटिक एल्गी। सिंपल सा है, जो एल्गी हमारे मॉइस्ट रॉक्स एंड स्नो पे मॉइस्ट सरफेस एंड रॉक्स पे ग्रो करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिथोफिटिक एल्गी कहलाते हैं। विच एल्गी ग्रो ऑन मॉइस्ट सरफेस एंड रॉक्स इज कॉल्ड लिथोफिटिक एल्गी, ठीक है। अब मॉइस्ट सरफेस को मैंने अब प्रीवियस वीडियो में बताया था, मॉइस्ट सरफेस का मतलब जहाँ पे नमी होता है उसे हम मॉइस्ट सरफेस कहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए मैनी बीजीए, बीजीए का मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है मैनी बीजीए, बीजीए का मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक नॉस्टॉक रेगुलेरिया आर कॉमनली ग्रो ऑन मॉइस्ट एंड सैडी रॉक्स। ये जो है नॉस्टॉक एंड रेगुलेरिया ये ग्रो करते हैं हमारे नॉस्टॉक एंड सैडी रॉक्स पे, ठीक है। यहाँ पे साइटोनिमा इज ग्रो ऑन वॉल्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। ये साइटोनिमा हमको हमारे घर में देखने को मिल जाते हैं अधिकतर रेनी सीजन में, जब बरसात का सीजन होता है तो हमारे घर की दीवार छत पे अधिकतर जो मतलब कि जो काई जम जाती है वही साइटोनिमा एल्गी होती है, वो रेनी सीजन में ग्रो करती है। जब भी बरसात का पानी छत पे कहीं पे रुक जाता है तो वहां पे ये एल्गी ग्रो कर जाती है, तो वो साइटोनिमा एल्गी होती है, ठीक है। देखिए लिथोफिटिक एल्गी सिंपल है, विच एल्गी ग्रो ऑन मॉइस्ट सरफेस एंड रॉक्स इज कॉल्ड लिथोफिटिक एल्गी, ठीक है। इसका एग्जांपल मैनी बीजीए, बीजीए का मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक नॉस्टॉक रेगुलेरिया आर कॉमनली ग्रो ऑन मॉइस्ट एंड सैडी रॉक्स। साइटोनिमा जो है इज ग्रो ऑन द वॉल ड्यूरिंग रेनी सीजन। साइटोनिमा जो है हमारे घरों में देखने को मिलता है रेनी सीजन में, बरसात के टाइम पे जब छत में पानी रुक जाता है बरसात का तो वहां पे ये ग्रो करते हैं साइटोनिमा, और वॉल्स पे भी ग्रो कर जाते हैं। तो हमारे ये लिथोफिटिक एल्गी के एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम देखेंगे थर्मोफाइटस, थर्मोफाइटस को हम थर्मल एल्गा भी बोलते हैं, ठीक है।
थर्मोफाइटर्स को थर्मल एल्गा भी बोलते हैं। दे आर एबल टू सर्वाइव हाई टेम्परेचर ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। दे आर एबल टू सर्वाइव हाई टेम्परेचर ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। थर्मल एल्गा को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जो एल्गी सर्वाइव कर जाते हैं हाई टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर में, तो वो जो एल्गी होते हैं उसे हम थर्मल एल्गा कहते हैं। और ये किस लिए सर्वाइव कर जाते हैं हाई टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर में? क्योंकि इसमें जो वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है वो अब्सेंट होता है, ठीक है। इसमें जो वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है वो अब्सेंट होता है, जिसके कारण ये हाई टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर में सर्वाइव कर जाते हैं थर्मल एल्गा। इसका एग्जाम्पल क्या है? मैनी ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑस्लिटोरिया ब्रेविस एंड साइनोकोकस इलोंगेटस, हेट्रोहार्मोनियम हेप्लोसिफोन लेजिनोसम, ठीक है। ये फाउंड इन हॉट वाटर, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये हॉट वाटर में पाए जाते हैं, और कितने 50-70 डिग्री सेल्सियस हॉट वाटर में ये सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन सम ऑस्लिटोरियसी मैनी सर्वाइव अप टू 85 डिग्री सेल्सियस। कुछ ऑस्लिटोरियसी के मेंबर, ऑस्लिटोरिया के मेंबर जो होते हैं वो हमारे 85 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव कर जाते हैं, क्यों? ये केवल ऑस्लिटोरिया के मेंबर में पाया जाता है, लेकिन बाकी में नहीं पाया जाता, ठीक है। ये हमारा हो गया थर्मोफाइटस। थर्मल एल्गा एक बार सिंपल से समझ लीजिए, थोड़ी अलग है। क्या है मतलब कि जो एल्गी ग्रो कर जाते हैं हाई टेम्परेचर और हॉट वाटर में उसे हम थर्मल एल्गा कहते हैं। और ये क्यों ग्रो करते हैं हॉट वाटर में और क्यों सर्वाइव कर पाते हैं? क्योंकि इसमें जो वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है वो अब्सेंट होता है, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, इसलिए ये थर्मल एल्गा के अंतर्गत रखे गए। इसका एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया, ऑस्लिटोरिया ब्रेविस, साइनोकोकस हो गए, साइनोकोकस इलोंगेटस और हेट्रोहार्मोगोनियम और हेप्लोसिफोन लाइजिनोसम, ये हो गए हमारे पूरे थर्मोफाइटस के एग्जाम्पल। ये हमारा क्लासिफिकेशन खत्म हुआ एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट का। मैंने होलोफिटिक से लेके पूरा थर्मल एल्गा तक मैंने डिफाइन कर दिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन लेके आएंगे, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया गया था एक साइंटिस्ट के द्वारा, और वो पिगमेंट के आधार पे है, ठीक है। वो हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, वो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, वो पिगमेंट के आधार पे है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हमारा ये आज के लेक्चर नंबर 5 में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।